यह कहानी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जिसे अपने ही टीचर से प्यार हो जाता है। जब उसके पति को पता चलता है कि उसका अफेयर मेरे बीबी के साथ है, तो उसका पति इस लड़के के साथ क्या करता है, आज जानेंगे हम इस मूवी ऑल थिंग्स एवरीवेयर 1995 में रिलीज एक रोमांस हॉलीवुड मूवी में। ऐसे ही रोमांटिक और लव मूवी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें। तो चलिए बिना देरी किए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। इस मूवी की कहानी तब शुरू होती है जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया होता है। स्कूल पहली बार खुला होता है जिससे सभी बच्चे बहुत ही उत्साहित होते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए अपने क्लास में जा रहे होते हैं। स्कूल का पहला दिन होता है। इन्हीं बच्चों में एक स्टिंग नाम का लड़का होता है जो बहुत ही स्मार्ट होता है, जिस पर क्लास की सभी लड़कियां मरती हैं। क्लास में सभी लोग होते हैं। मैडम वोयला क्लास में पढ़ा रही होती हैं। सभी बच्चे उनकी खूबसूरती को निहारते हैं क्योंकि मैडम खूबसूरती को अपना प्रोफेसर मानते हैं। बच्चे चिल्ड्रन को चबाकर मक्खियों को अपना निशाना बनाते हैं। जब क्लास खत्म हो जाती है सभी बच्चे चले जाते हैं, पर वोयला और स्टिंग क्लास में होते हैं। वोयला स्टिंग को मारी हुई मक्खियों को साफ करवाता है। उसके बाद स्टिंग घर पर चला जाता है जहां उसका भाई छुट्टियों के बाद घर वापस आया होता है। स्टिंग बहुत खुश होता है। दूसरे दिन क्लास शुरू होने से पहले स्टिंग वोयला की किताबें पढ़ने के लिए जल्दी आ जाता है और किताब को पढ़ने के बाद वह किताब को रखने के लिए जाता है जहाँ स्टिंग वोयला के खूबसूरत पैरों को देखता है। मैडम वोयला नोटिस करती है वह खूबसूरत पैरों को देख रहा है, पर वोयला स्टिंग को कुछ भी नहीं कहती। दूसरे दिन स्टिंग वोयला को देखने के लिए उस घर के सामने जाकर खिड़की पर देखता है। वोयला दिखाई देती है। वोयला स्टिंग को सामान रखने के लिए साथ में ले जाती है जहाँ स्टिंग अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाता और वोयला के साथ किस करने लगता है। वोयला भी यही करने के लिए यहाँ पर आई होती है। फिर दोनों पहली बार किस करने के बाद इंटीमेट होते हैं। अब स्टिंग वोयला के प्यार में पागल हो जाता है जो अब वोयला के फ्लैट में ही रहने लगता है। उसका हस्बैंड उस स्टूडेंट समझकर फ्लैट में एंट्री दे देता है। उसका पति घर कम रहता था क्योंकि बिजनेस के चलते घर से बाहर ज्यादा रहता था। जब स्टिंग और वोयला का प्यार और भी गहरा हो गया था क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं था, अब दोनों साथ में फिजिकली होते हैं। स्टिंग भी अपने घर पर कम रहता है या वोयला के साथ ही टाइम स्पेंड करता है मानो जैसे उसका हस्बैंड हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद वोयला का हस्बैंड घर पर आया होता है जो स्टिंग को अपने किचन में सुबह सुबह उसे पकड़ लेता है, पर स्टिंग को कुछ भी नहीं कहता बल्कि उससे और प्यार से बात करता है। वोयला के हस्बैंड को बखूबी मालूम होता है कि इसका अफेयर मेरे बीबी के साथ है। दूसरे दिन वोयला के कंपार्ट में एक छोटी सी पार्टी होती है। इसी दौरान स्टिंग के पास स्कूल की गर्लफ्रेंड लिस्बिन आई होती है। उसे अकेला पाकर एक कमरे में सीड्यूस करने लगी है, पर स्टिंग उसे इग्नोर कर देता है और क्योंकि स्टिंग अब वोयला से बहुत प्यार करता है। एक दिन स्टिंग वोयला को कहता है अपने हस्बैंड को तलाक क्यों नहीं दे देती। वोयला इस पर कहती है जो मजे मैं उसके न रहने पर लेती हूँ वह मजा और कहाँ पे है। शाम को स्टिंग वोयला के हस्बैंड से मिलता है जो काफी शराब पी रखी होती है। वह जल्दी सो जाता है। तभी वोयला की एंट्री होती है। वह कहती है चलो कमरे में कुछ मजा लिया जाए, पर स्टिंग को लगता है कि अब उसके पति के साथ धोखा नहीं कर सकते। वह वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वोयला स्टिंग को मिलने के लिए कहता है पर वह इग्नोर कर देता है। वह लड़कियों के बाथरूम में चला जाता है जहाँ लड़कियाँ अपने कपड़े बदलती हैं। लिस्बिन स्टिंग के पास आती है। वह कहती है लड़कियों को कपड़े बदलते क्यों देखते हो और ये कहाँ से सीखा। वह कहता है हमने वीडियो देखकर सीखा। बहुत दिन बाद स्टिंग मूवी देखने के लिए सिनेमा जाता है। उसके साथ में लिस्बिन होती है और उसका पीछा करते हुए वोयला भी सिनेमा घर पहुँच जाती है जहाँ स्टिंग के साथ होना देखकर इंटीमेट होने लगती है। यह लिस्बिन देखकर बहुत जलस फील करती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में स्टिंग वोयला से आज प्यार वाले रिश्ते को खत्म करने के लिए उसके घर पर आया होता है जहाँ वोयला आज ज्यादा ही कुछ ड्रिंक कर ली होती है। स्टिंग इससे पहले कुछ बोल पाता तभी वोयला उसके साथ इंटीमेट होने लगती है जहाँ स्टिंग वोयला से काफी दूरियां बना लिया है। कुछ दिन बाद स्टिंग का रिजल्ट अनाउंस होता है जहाँ वोयला स्टिंग को कहती है मैं तुम्हें फेल कर दूंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टिंग को वोयला से दूरियां बना ली है।
वोयला स्टिंग को मैच के आड़ में उसे अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाने की कोशिश करती है। तभी स्टिंग यह करतूत सभी स्टूडेंट के सामने लाने के लिए मैच पर जोरदार लात मारती है, जिससे मैच गिर जाती है। यह बात मैडम प्रिंसिपल को बता देते हैं। प्रिंसिपल स्टिंग को बहुत डांटता है। स्टिंग मैडम से बदला लेने के लिए उसके कक्ष में जाकर वोयला की किताब को वहाँ से लेकर चला जाता है। यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मूवी एक लेन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।